हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और अपने विनय मोटर्स लवर चैनल पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा जेसीबी 3DX बैकहो लोडर की फ्यूज बॉक्स के बारे में, कौन सा फ्यूज काहे का है और क्या काम करता है फ्यूज। तो फ्यूज दोस्तों बेसिकली इसलिए लगाया जाता है कि अगर कोई भी जैसे पंखा का फ्यूज लगा है तो अगर पंखे में कोई यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होती है तो उधर से फ्यूज उड़ जाता है, तो उससे क्या है कि इधर मेजर नुकसान नहीं होते और अपन फ्यूज उधर से चेंज कर देते हैं। तो पूरी फ्यूज की डिटेल आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि अपन उधर से अगर कोई ऐसे पंखा नहीं चल रहा है या फिर हमारा ये म्यूजिक सिस्टम नहीं चल रहा है तो अपन देखते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ी आ गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है, फ्यूज उड़ जाता है और हमको पता नहीं चलता। तो चलिए दोस्तों उसी फ्यूज बॉक्स में देखते हैं कि क्या कुछ समस्या अगर आ जाता है ऐसा कुछ तो आप चेंज कर लिया करेंगे फ्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई फ्यूज अपने मशीन में जो ये गियर रहता है इसके जस्ट ये पार्किंग हैंड ब्रेक अपना रहता है तो इसी के जस्ट बगल में ये वाले बॉक्स के अंदर पूरी मशीन की फ्यूज रहती है, लगी रहती है। और इसको खोलने के लिए अपन ये स्क्रू दिए रहते हैं यहाँ पे दो, तो ये एक ये है, एक ये है और दो इस तरफ नीचे हैं, उसको मैंने खोल दिया है। तो इसको अपन खोलते हैं सबसे आगे। तो इसको खोलने के लिए अपन इसको घुमा लेते हैं हाथ से और ये खुल गया दोस्तों। और ये वाले को भी ऐसे करते हैं तो ये भी खुल गया। अब इसको अपन रख दिए यहाँ। अब इसको जैसे ही अपन निकालेंगे तो ये पूरी फ्यूज निकल कर सामने आ जाएंगी। दोस्तों होता क्या है कि बहुत से गाड़ी जैसे नई रहती है तो ऐसे कंपनी चिपका देती है। ये फ्यूज बॉक्स की पूरी डिटेल। अब ये अपना जैसे यहाँ से ख़राब हो चुका है तो अगर मान लीजिए किसी की मिस्टी करनी चिपका है तब कैसे जानेगा कि कौन सा फ्यूज काहे का है। तो चलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ इसी वीडियो। तो भाइयों अपना फ्यूज बॉक्स खुल चुका है। अब चलिए अब बारीकी से आपको समझाते हैं कि कौन सी फ्यूज काहे का है। तो दोस्तों ये जो ये अपना फ्यूज पिलर है और ये एक दो तीन चार ये अपना एक्स्ट्रा फ्यूज दिए रहती हैं। जैसे 5 एम्पियर का ये फ्यूज है और ये 10 एम्पियर का, ये 15 एम्पियर का, 20 एम्पियर का ये फ्यूज अपना एक्स्ट्रा है। अगर ये इनमें से कोई फ्यूज ख़राब होती हैं तो ये अपना चारों फ्यूज में से यूज में ला सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फ्यूज पिलर दिया रहता है। ये फ्यूज पिलर क्या काम करता है दोस्तों कि अपना जो फ्यूज रहते हैं जो अपना ख़राब हो गया होगा उसको अपन ऐसे पकड़ते हैं और इससे निकालने का काम करते हैं। तो जैसे दोस्तों ये फ्यूज निकल चुका है। अब तो जैसे दोस्तों अगर ये फ्यूज उड़ा होता तो ये जो बीच में ये तार दिख रही हैं ये जल जाता है पूरा, तो मतलब ये फ्यूज सही है। और ये फ्यूज दोस्तों ये वाला ECGR का है जो अपना ये पहले नंबर का फ्यूज है ये फ्यूज पिलर के जस्ट बगल से। तो ये वाला ECGR, ये ECGR क्या होता है दोस्तों कि जो इसमें सिस्टम दिए नहीं रहते हैं, ऑप्शनल है ये जैसे साइलेंसर से जो गैस निकलती है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, अब उसमें ये उसका फ्यूज है। जब ये फ्यूज उड़ जाता है तो वो सिस्टम काम करना बंद कर देता है। और उसके जस्ट नीचे वाला ये 5 एम्पियर का फ्यूज रिले कॉइल की है जो अपना ये मीटर में लगी रहती है, ये उसका है रिले जो लगी रहती है स्विच वाली वो वाला। और ये 10 नंबर की 10 एम्पियर की जो फ्यूज है ये अपना स्टॉप लैंप है। स्टॉप लैंप दोस्तों जैसे अपन गाड़ी का ब्रेक मारते हैं तो पीछे वाली लाइट जो जल जाती है, तो ये फ्यूज अगर उड़ा रहेगा तो वो वाली लाइट नहीं जलेंगी पीछे वाली, ये जो लाल कलर का 10 नंबर पे 10 एम्पियर का फ्यूज है। और ये 7.5 एम्पियर का जो फ्यूज है दोस्तों ये वाला, ये आपका पार्किंग लाइट का है जो पीले पीले कलर की पार्किंग लाइट जलती है मशीनों में, तो ये लेफ्ट साइड का है मतलब आपके बाएं हाथ तरफ का। और जस्ट इसके सामने वाला ये वाला ये दाएं हाथ तरफ का, मतलब ये दाएं हाथ तरफ का पार्किंग लाइट का है और ये बाएं हाथ तरफ के पार्किंग लाइट का है दोस्तों। उसके बाद ये जो 15 एम्पियर का ये जो फ्यूज है ये ऊपर जो लगी है लाइट मेन बीम के, जैसा कि ये फोटो में दिखाई दे रही है, ये बगल में फोटो लगा के दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो ये वाली लाइट की है। और दोस्तों ये वाला जो 15 नंबर की फ्यूज है 15 एम्पियर की, ये आपकी KPC का है ये वाला, मतलब ये वाला फ्यूज अगर उड़ा रहेगा तो आपका KPC वर्क नहीं करेगा। और दोस्तों ये वाला जो 15 नंबर का है 15 एम्पियर का, ये आपका म्यूजिक सिस्टम का है,
म्यूजिक सिस्टम में अगर ये वाला फ्यूज जुड़ा रहेगा तो आपका म्यूजिक सिस्टम नहीं चलेगा और रेडियो ऑडियो कुछ नहीं चलेगा उसमें। तो और ये वाले जो 15 नंबर का 15 एम्पियर का जो फ्यूज है, तो ये आपके पीछे की जो ऊपर की लाइट रहती है उसका दाएं तरफ का है, और ये वाला जो 15 है इसके जस्ट बगल में ये वाला, ये बाएं तरफ का है आपका। तो दोस्तों जैसे ये वाला आपका था जैसे पार्किंग लाइट बाएं तरफ का, और ये वाला दाएं तरफ का, तो ये वाला दाएं तरफ का और ये वाला बाएं तरफ का आपका पीछे की लाइट है जो पीछे जलती है ऊपर तरफ हाइलोजन बल्ब। और दोस्तों ये वाला 5 नंबर तो बता दिया आपके दाएं तरफ की पार्किंग लाइट का है, और ये जो 10 एम्पियर का ये फ्यूज है दोस्तों ये आपकी हेजर्ट लाइट है। हेजर्ट लाइट बोले तो दोस्तों ये वाली जो स्विच है, ये वाली जो स्विच रहती है इसका फ्यूज है ये। और जस्ट ये 5 नंबर 5 एम्पियर का जो फ्यूज है दोस्तों ये आपके मीटर का है, मीटर की लाइट का। अगर ये वाला फ्यूज जुड़ा रहेगा तो आपके मीटर में लाइट नहीं आएगी, मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है तो आपका पूरा बंद हो जाएगा। और ये वाली आपकी इंडिकेटर का है, जैसे दोस्तों इंडिकेटर चालू करते हैं मुड़ते समय अपन इंडिकेटर चलाते हैं, तो ये 5 एम्पियर का फ्यूज इंडिकेटर का है। और इधर आ जाते हैं ये वाली लाइन तीसरी लाइन पर, तो ये 10 एम्पियर का जो फ्यूज है आपका फोर व्हील ड्राइव का है, तो फोर व्हील ड्राइव ये वाली सिस्टम मतलब मशीन पे नहीं है तो ये फ्यूज वर्क नहीं करता, मतलब ये वाला फ्यूज केवल शो पीस के लिए रखा गया है। और ये जो 10 एम्पियर का फ्यूज है आपका ये हॉर्न के लिए है, तो जैसे में अगर हॉर्न नहीं बज रहा है तो मतलब ये 10 नंबर के फ्यूज को आप चेक कर लें 10 एम्पियर के फ्यूज को। तो दोस्तों ये जो नंबर है ये एम्पियर दर्शाते हैं, मैं बार बार धोखा खा के इसको नंबर बोल रहा हूँ लेकिन एम्पियर है। तो भाइयों जी पीले कलर का 20 एम्पियर का फ्यूज है ये, आपका जो पास लाइट रहती है दोस्तों, पास लाइट बोले तो जब अपन गाड़ी क्रॉस करते हैं और ये वाली लीवर को ऊपर करते हैं, ये वाली लीवर कैसे ऊपर करते हैं तो अपनी फुल लाइट जलने लग जाती है, मतलब दोनों बीम, तो उसी का है ये। और ये वाला आपका डिपर का है, जो मेन लाइट रहती है जो दो ठो बड़े बड़े, तो उसके डिपर का है ये। और ये वाले हाई बीम का है उसका, मतलब जो अपर और डिपर करते हैं तो ये अपर का है और ये डिपर का है। तो दोस्तों ये वाला आपका इसमें अपर डिपर दोनों जलते हैं पास लाइट में, और ये वाला डिपर का है, ये वाला अपर का है। और ये वाली जो 15 एम्पियर की फ्यूज है ये दोस्तों पीछे की जो ऊपर वाली लाइट है उसकी, ये वाला ये आपका बाएं तरफ का और ये वाला दाएं तरफ का। और ये जो 10 नंबर की 10 एम्पियर की फ्यूज है ये पंखे की आपका ये वाला, और ये वाला ऑप्शनल है। इसमें होता क्या दोस्तों, अगर सामने दो लाइट अपन को लगानी है, मतलब जो ऊपर सभी सिंगल सिंगल लाइट लगी हैं, तो ये वाले जगह में क्या रहती अलग अलग फिर देता है, मतलब वो वाले जब दूसरी वाली लाइट जलती है तो यहाँ पे फ्यूज आ जाता है उसका, ये ऑप्शनल में रहता है। ये वाला जो 10 एम्पियर के फ्यूज है ये आपका इंजन से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर ये वाला फ्यूज अगर आपका उड़ा है तो इस वॉश जोन कोल्ड स्टार्ट का रहता है जो सिस्टम, वो जब जैसे इंजन अपन चाबी स्विच करते हैं तो इंजन में उसका प्लग लगा रहता है, तो वो प्लग इससे ऑन हो जाता है, तो ये 10 एम्पियर के फ्यूज उसमें वर्क करता है। और ये वाला तो बता दिया आपको, ये आपका हाई बीम का है, मतलब अपर का है, अपर लाइट का जो बड़े बड़े दो ठो लाइट सामने लग रहे थे उसका है। और ये 10 एम्पियर का फ्यूज है जो ये वाइपर का है दोस्तों, ये जो 10 एम्पियर का है ये आपके वाइपर का जो कांच साफ करता है ना, जो वाइपर उसका है। और ये 15 एम्पियर का फ्यूज है जो ये दोस्तों जो मीटर में लाइट आती है, मतलब पूरा मीटर का सिस्टम है इसी 15 एम्पियर फ्यूज से जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा आपका ये डैशबोर्ड है, जो ये डैशबोर्ड मतलब जो जितना वर्क कर रहा है उसी फ्यूज से, अगर ये वाला अगर उड़ जाएगा फ्यूज तो ये आपका वर्क नहीं करेगा। और दोस्तों ये जो 20 एम्पियर का जो फ्यूज है पीले कलर की सबसे किनारे पे, तो ये आपका जो मीटर के अंदर रिले लगी रहती हैं, ये मीटर के अंदर के, इसको जब खोलेंगे दोस्तों तो इसके अंदर रिले लगी रहती हैं, इसके अंदर देखेंगे तो रिले लगी रहती हैं, डंप रिले, तो वो रिले का ही फ्यूज है ये, मतलब अगर वो वाला फ्यूज उड़ जाएगा तो वो आपका रिले काम नहीं करेगा।
तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जैसा जैसा मैं बताया हूँ। ये है कि जहाँ जहाँ पे उंगली रखा हूँ उसी उसी फ्यूज के बारे में बताया हूँ। ये जो चारों फ्यूज है ये आपका डमी के लिए रखा गया है, इनमें कुछ लगा नहीं रहता। ये जैसे फ्यूज आपका उड़ गया है तो ये अपन प्लकर से पकड़ें और ये फ्यूज अपन निकाल लिए हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों पूरा खाली है, मतलब ये फ्यूज ऐसे केवल 100 पीस के लिए लगे रहते हैं। और दोस्तों ये वाला जो लीवर है देखिए यहाँ पे चूहा पूरा काट दिया है, चूहों से बचा करके। अब जब तो BS6 आ गई है जो JCB, उसमें तो चूहे का और डर बना रहेगा। और ये अपना सर्विसिंग जब कंप्यूटर से अटैच करते हैं तो ये उसका नॉब है, यहाँ से अपन अटैच कर दिए तो कंप्यूटर में जो खराबी रहती है वो अपना शो कर देता है। तो ये वाला नॉब है जो उसी के लिए है, वो सर्विस सेंटर में जब जाती है कभी मशीन तो यहाँ से लगा के चेक करते हैं उसको, अमूमन कोई ऐसा करता नहीं है यहाँ से चेक। और ये वाला आपका जो वायर है ये ऐसे निकला हुआ है कनेक्शन लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो को करते हैं ख़त्म और ये अपना फ्यूज बॉक्स हम बंद कर देते हैं। भाई फ्यूज बॉक्स को अपन ये स्क्रू लगा के बंद कर देते हैं। इसमें थोड़ी सी धूल वूल चला जाता है तो कंपनी को कुछ समझना चाहिए कि यहाँ पे रबड़ वबड़ लगा देते तो जो धूल रहता है वो कम जाए फ्यूज बॉक्स में, तो फ्यूज जल्दी ख़राब नहीं होंगी और शॉर्ट ना होंगी। और दोस्तों मीटर की पूरी जानकारी तो मैं एक वीडियो में बना दिया हूँ कि कौन सी लाइट काहे की है। तो ये वाला अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मीटर वार्निंग लाइट के नाम से, तो ये पूरी लाइट के बारे में बताया हूँ आपको। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जो फ्यूज बॉक्स के बारे में आपको बताया हूँ वो समझ में आ गया होगा। तो और भी अच्छी जानकारी दूंगा तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और मेरी वीडियो में और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी आने वाले समय में। तो कमेंट करके बताइए दोस्तों और काहे की वीडियो आपको चाहिए। तो चलिए दोस्तों यहीं पे करते हैं वीडियो को ख़त्म और मिलते हैं किसी दूसरे अच्छी वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और अपना ख्याल रखिएगा।